नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बताएंगे C11 MTK वाला फोन अगर आपके पास आता है और दोस्तों इसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है तो इस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या चेक करना होता है, इसका जो बीबस के टीपी है यहाँ पे चेक करना होता है कि हमारा जो चार्जिंग कनेक्टर है वहां से लेके यहाँ तक हमें कंटिन्यूटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिले दोस्तों तो यहाँ पे हमें 5 वोल्ट चेक करना है, और नहीं मिल रही है कंटिन्यूटी तो आपको यहाँ पे मेन पत्ता चेंज करना है या फिर जम्पर कर देना है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे हमें क्या चेक करना होता है, इसके आगे जो हमें लाइन कहाँ जा रही है देख सकते हैं, जो बीबस इनकी जो लाइन है 5 वोल्ट वाली ये हमारी जा रही है। यहाँ पे एक लगी हुई है दोस्तों OVP IC जो कि इसमें रिमूव निकला हुआ है, हमें इस टीपी पे चेक करना है 5 वोल्ट और इसके बाद यहाँ पे चेक करना है। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप इसको यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आप जम्पर कर सकते हैं, यानी इस पॉइंट से लेके यहाँ पे भी आप जम्पर कर सकते हैं IC को रिमूव कर। और यहाँ पे वोल्टेज आने के बाद दोस्तों यहाँ पे भी चेक करना होता है कि हमें इस IC को वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके और दोस्तों इस TP तक कंटिन्यूटी चेक करना है और यहाँ तक लाइन ओके दोस्तों तो आपका काम हो जाएगा जैसे आप यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। और दोस्तों अगर आपका चार्जिंग स्लो होता है तो आप इसको DMDP की लाइन को भी जरूर चेक करिए, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कनेक्शन चेक कर लीजिए और इसको लेके यहाँ से कनेक्शन चेक कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपकी DMDP के GR चेक कर लीजिए, 350 से ऊपर आना चाहिए तो ही सही माना जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो इसकी जो लाइन जा रही है DMDP की आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों लगा हुआ है 2 0 ओम्स का रजिस्टर और एक बड़ा सा रजिस्टर, 2 रजिस्टर लगे हुए हैं बड़े बड़े, एक बड़ा 0 ओम्स का एक छोटा। तो यहाँ से अगर आपको किसी वाटर डैमेज की वजह से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो भी आपका चार्जिंग स्लो होता है, अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाता है तो इसको आप जम्पर कर सकते हैं। ये डायरेक्टली दोस्तों CPU से आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पे और क्या चेक करना होता है मैं बताना चाहूँगा आपको। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमारी जो चार्जिंग एरर आती है तो यहाँ पे दोस्तों हमें चेक करना होगा थर्मिस्टर की लाइन, VTEM की लाइन जिसको बोल सकते हैं आप, और एक ID की लाइन। तो ID की लाइन का काम क्या होता है दोस्तों कि CPU हमारा सेंस करता है कि हमारा मदरबोर्ड में बैटरी लगी हुई है कि नहीं लगी हुई, तो इसका एक काम होता है दोस्तों। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो थर्म की लाइन है इसकी यहाँ पे TP दी हुई है दोस्तों, अगर आपको यहाँ से यहाँ कंटिन्यूटी नहीं मिली है तो इसको यहाँ से आप जम्पर कर सकते हैं, और बैटरी ID की भी जो लाइन है इसको भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है तो इसको भी आप जम्पर कर सकते हैं। अगर ये ID की लाइन दोस्तों डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आपका फ़ोन तो ऑन होगा बट यहाँ पे जो चार्जिंग का परसेंटेज है वो नहीं दिखाएगा आपका, या फिर और दोस्तों ये वाली लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो आपको चार्जिंग ओवर चार्जिंग एरर आएगा टेम्परेचर करके, या फिर चार्जिंग एरर की समस्या आएगी। तो दोस्तों इस लाइन को आप चेक कर सकते हैं, इस लाइन को दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो आपकी जो लाइन जा रही है थर्मिस्टर की और ID की लाइन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो जा रही है यहाँ पे दोस्तों लगा हुआ है एक हाई वैल्यू का रजिस्टर और दोनों लाइन में लगे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए, और जो ऊपर वाला जो पॉइंट है दोस्तों आप देख सकते हैं जो ID की लाइन है डायरेक्टली CPU में जाती है, और यहाँ से दोस्तों यहाँ इस पॉइंट से लेके चेक करना है कंटिन्यूटी हमें तो ये कहाँ पे जा रही है मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये सीधे पावर IC में जा रही है थर्मिस्टर की लाइन। तो दोस्तों इतना आप चेक कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। आपके चार्जिंग का जो समस्या है, चार्जिंग एरर का जो समस्या है, या फिर परसेंटेज नहीं दिखा रहा उसकी समस्या है, या फिर चार्जिंग स्लो की समस्या है, इस सारे समस्या का सलूशन मैं बता दिया हूँ वीडियो में, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आपको काफ़ी समझ में आया होगा। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को
को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।